this video, we will discuss the chapter 4 of class 12 physics, that is moving charges and magnetism. तो सबसे पहले आता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट, क्योंकि जो ये चैप्टर बेस है ये मैग्नेटिक फील्ड पे ही है. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कि जो चार्ज है अगर वो रेस्ट में होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में होगा वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर वो मोशन में होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड. इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब स्टेटमेंट हम ऐसे लिखेंगे, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज सेट इनटू मोशन इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट आता है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हेनरी क्रिस्टन ओरेस्टेड इन 1820 डेमोन्स्ट्रेटेड वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसका है कि एक साइंटिस्ट है हेनरी क्रिस्टन, वो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके पास में एक वायर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके पास एक कंपास रखा होता है, उसमें उन्होंने देखा कि उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है. उन्होंने उसमें वायर में करंट जो है वो ऑफ कर दिया, मतलब करंट ब्लॉक कर दिया, उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन जीरो हो गया. फिर उन्होंने ऐसे ऐसी बार बार कुछ चेंजेस करके कंक्लूजन दिया कि व्हेन अ करंट फ्लोज इन एनी कंडक्टिंग वायर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर. तो जो ये हेनरी क्रिस्टन का एक्सपेरिमेंट था इसका मेन कंक्लूजन यही था. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कंक्लूजन. फिर आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मतलब ये होती कैसी है. सबसे पहले इसमें आया जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो वायर में करंट है उस पर, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसका डिस्टेंस वायर से कितनी दूर है वहाँ उस पर, और जो वहाँ पर उसके बीच में जो मटेरियल है उस चीज़ पर डिपेंड करती है. उसका जो कंबाइंड फॉर्म आया वो आया द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू न्यू नोट अपॉन फोर पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इन विच न्यू नोट अपॉन फोर पाई इज कॉन्स्टेंट आइडियल इज करंट एलिमेंट इन विच आई इज करंट डी एल इज लेंथ एलिमेंट एंड साइन थीटा, और थीटा जो एंगल है वो करंट एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का एंगल है, और आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द वायर. ये था स्केलर फॉर्म में, और जो उसकी यूनिट है, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला. और जो अगर हम इसी फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो लिखेंगे बी इज इक्वल टू न्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल में डी एल के ऊपर और आर में दोनों के ऊपर वेक्टर, अपॉन आर क्यूब. और जो उसमें न्यू नोट की वैल्यू है वो कहाँ से निकली, वो आई वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इन विच एप्सिलॉन नॉट इज परमिबिलिटी एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट. फिर नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी. तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे देंगे, उसका सिंपल एक मेथड है कि अपने राइट हैंड को, मतलब एज्यूम करो कि हमने एक वायर को पकड़ा हुआ है अपने राइट हैंड में, और जो हमारा थंब है वो शो कर रहा है कि जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है, तो हमारी जिस तरफ जो फिंगर्स हैं जो जिस तरफ कर्ल करेंगी उस तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. फिर आता है जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अ वेरियस टाइप्स ऑफ लूप्स कॉइल्स, उनकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट है इसमें ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. इसमें होगी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू न्यू नोट एन आई अपॉन टू आर इन विच एन इज नंबर ऑफ टर्न्स न्यू नोट इज कॉन्स्टेंट एंड आई इज करंट और आर जो है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट और जो लूप है उसके बीच का डिस्टेंस. इसकी जो यूनिट है वो सेम वो होगी टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर. सेकंड आता है इसमें ड्यू टू अ सर्कुलर कॉयल एट इट्स एक्सिस, अब निकालनी है एक्सिस पे, तो उसकी वैल्यू होगी बी इज इक्वल टू न्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इन विच न्यू नोट जो है वो तो है कॉन्स्टेंट और एन कैपिटल एन है, इसमें कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट और ए जो है इसमें रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कॉयल और जो आर स्क्वायर है वो है जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और जो हमारी कॉयल है उसके बीच का डिस्टेंस. फिर थर्ड है ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, मतलब इनफाइनाइट लेंथ के हमारे पास वायर है या फिर कंडक्टर है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट पर वो दी जाएगी बी इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से बी इज इक्वल टू न्यू नॉट आई इंटू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू अपॉन 4πa. इसका सबसे जो मतलब जो क्वेश्चन बनता है वो इसे ऐसे इस वाले से बनता है कि जब जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो पास में ही आता है क्वेश्चन, तो इसका जो फॉर्मूला मेनली यूज होगा वो होगा b इज इक्वल टू न्यू नोट आई अपॉन 2πa इन विच न्यू नोट इज कॉन्स्टेंट आई इज करंट इन द वायर एंड 2π इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट a एंड a इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द वायर. फिर नेक्स्ट है इसमें फोर्थ ड्यू टू अ थिक वायर.
मतलब कि जो हमारे पास वायर है वो थोड़ी थीक है, तो उसमें अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा जो है वो रेडियस से बड़ा होगा तो उसका जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा बी इज इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, इन विच जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू रेडियस से ग्रेटर है। फिर सेकेंड केसेस में वैन रेडियस इज इक्वल टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो होगा बी इज इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन टू पाई कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू होगी रेडियस ऑफ द कंडक्टर और उसकी वायर की रेडियस। थर्ड आता है जब, और थर्ड केस है जब इसमें जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो रेडियस से भी कम होगा, तो उसमें फॉर्मूला जो यूज़ होगा थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट भी है, वो होगा बी इज इक्वल टू न्यू नॉट स्मॉल आर इंटू आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टू आई, इन विच स्मॉल आर इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड कैपिटल आर स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ द वायर या फिर कंडक्टर। नेक्स्ट आता है इसमें करंट एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज डायरेक्शन इज सेम एज द करंट, और जिसकी वैल्यू है करंट एलिमेंट इज इक्वल टू आई डॉट डी एल। नेक्स्ट है इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसका जो स्टेटमेंट है और उसकी एप्लीकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसका स्टेटमेंट है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एंड क्लोज डेथ पाथ, मीन्स क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई, और इसमें जो न्यू नॉट की वैल्यू होगी वो होगी 4 पाई इंटू 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और जो न्यू नॉट होगा उस वो होगा क्या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेयर, और आई का मतलब करंट, और उसमें बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, डी एल मतलब स्मॉल एलिमेंट स्मॉल लेंथ एलिमेंट, और इसकी यूनिट जो उसमें बी की यूनिट है वो तो वही होगी सेम टेस्ला और या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट टॉपिक इज सोलेनोइड, सबसे पहले ये है क्या, इट इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल हेलिक्स, इट इज मेड बाय वाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ओवर अ सिलेंडर विच इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, मतलब कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड का सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने जो कॉपर की इंसुलेटेड वायर्स हैं उसको वाइंड अप किया हुआ है बाय सर्कल्स, वो जो ये जो अगर हम ऐसा कर दें तो हमारे पास एक सोलेनोइड मिलेगा। तो इसमें जो मेनली हमें करना क्या है, इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एट द सेंटर, मतलब हमें इसके इनसाइड और पोल्स पर और आउटसाइड इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। जो इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी बी इज इक्वल टू न्यू नोट स्मॉल एन आई, इसमें जो न्यू नोट है वो कॉन्स्टेंट, आई इज करंट इन द सोलेनोइड, एंड जो स्मॉल एन है वो उसकी वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कैपिटल एन अपॉन एल, और जो आउटसाइड द सोलेनोइड मतलब जो पोल्स पे होगी उसकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वहाँ पर बी इज इक्वल टू न्यू नॉट स्मॉल एन आई अपॉन टू। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो इनसाइड है उसमें ज़्यादा है और जो आउटसाइड है उसमें हाफ मतलब कम है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड हैं इनसाइड द सोलेनोइड वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं और पास पास है, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब कि उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जो वहाँ पर जब वो पोल से बाहर निकलेंगे तो वो एक दूसरे पे एक लेटरल प्रेशर लगाती हैं जिसकी वजह से वो दूर दूर हो जाते हैं, उसकी वजह से उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाती है। इसमें ये पॉइंट याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर एट इनर साइड देन आउटर साइड मीन्स एट पोल्स। नेक्स्ट इज टोरॉइड, टोरॉइड का मतलब व्हेन अ सोलेनोइड इज बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप और द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड आर जॉइंट वी गेट अ टोरॉइड, और जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी एट द सरफेस ऑफ टोरॉइड उसकी वैल्यू होगी न्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन टू पाई आर, और उसमें जो आर होगा रेडियस होगी वो मीन रेडियस होगी, मतलब जो सेंटर से आउटर वाले सर्कल वाले से रेडियस और इनर सर्कल वाले का दोनों का मीन, और इन ओपन स्पेस बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि जो ओपन स्पेस होगा मतलब जो सेंटर है और जो आउटसाइड द टोरॉइड है वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम सेंटर पर कंसिडर करें तो हमें एम्पियर सर्किटल लॉ के रूल से हमें यहाँ पर एक क्लोज लूप कंसिडर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एक सर्कल स्फीयर ड्रॉ करेंगे, तो अब हम यहाँ पर दिख रहा है कि उसमें कोई भी करंट नहीं होगी, तो फिर उसका स्टेटमेंट है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई, जब आई नहीं है तो सारी वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो एट द सेंटर ऑफ टोरॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी जीरो, और अगर सरफेस पे सेम वैल्यू होगी बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई अपॉन टू पाई आर, और अगर हम बाहर कंसिडर करें मतलब आउटसाइड द टोरॉइड एक पॉइंट कंसिडर करें ऑब्जर्वेशन पॉइंट वहाँ पर हम
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वहाँ पर भी जीरो होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो करंट जो है उसकी डायरेक्शन जो इनसाइड वाली करंट है वो इक्वल टू है आउटसाइड वाली करंट के डायरेक्शन के इक्वल, क्योंकि ये कोयल है, कोयल का मतलब सर्कल, जो इस साइड से डायरेक्शन जो एक साइड से डायरेक्शन बाहर जाने वाली है वही अंदर जाने वाली है, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो नेट करंट जो होगी इसमें भी जीरो हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी आउटसाइड द टोरॉइड जीरो होगी। नेक्स्ट आता है इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी और उसका नाम क्या होगा, वो होगा व्हेन अ चार्ज पार्टिकल क्यू, कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी वी एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज इक्वल टू एफ एम इज इक्वल टू क्यू ई वी साइन थीटा, मतलब एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी, और जो उसमें थीटा होगा वो होगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और जो अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री है, मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है तो जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, और अगर ज़ीरो है और जो फोर्स है वो जीरो कब हो सकता है, जब जो थीटा है वो ज़ीरो हो या फिर जो चार्ज की वैल्यू है वो ज़ीरो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता चार्ज की वैल्यू ज़ीरो होगी तो चार्ज होगा ही नहीं, और जो वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो वो मूव कैसे करेगा, और बी ज़ीरो ये हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है, और जो इसमें जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हम देंगे अपने फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल से। इसमें हमें करना ऐसे है कि हमें अपनी फोर फिंगर मिडल फिंगर और थंब को इस तरह एडजस्ट करना है कि जो तीनों है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले हमें जो हमारी फोर फिंगर है वो हमें प्रोवाइड करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो हमारी मिडल फिंगर है वो प्रोवाइड करेगी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स की डायरेक्शन। जो हमारा थंब है जिस तरफ वो डायरेक्शन पॉइंट आउट करेगा वो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट है एक नए तरह की फोर्स है लोरेंस फोर्स इक्वेशन। इसमें है इफ अ चार्ज पार्टिकल्स एंटर इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट देन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज, मतलब कि कोई भी चार्ज पार्टिकल पहले क्या था सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था तो उस पर फोर्स लग रही थी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, अब जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जिस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस पर जो फोर्स होगी वो होगी एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, इसमें क्यू ई की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फोर्स और क्यू वी क्रॉस बी की वैल्यू है मैग्नेटिक फोर्स, और इसमें अगर इसमें हम क्यू कॉमन ले लें तो वैल्यू हो जाएगी लोरेंस फोर्स इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट ई प्लस वी क्रॉस बी। फिर आता है जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करे कैसे भी मूव करे उस पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैसे लगेगी, कहाँ पर लगेगी, कहाँ पर जीरो होगी, उसके इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं, मैं बताता हूँ एक करके। सबसे पहले वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो आज एफ इज परपेंडिकुलर टू वी एंड हैंस एफ इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उसका जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा क्योंकि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और जिस तरह वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की उस तरह भी उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और अगर जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाती है तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी एस, उसकी वैल्यू हो जाती है वर्क की जीरो। सेकेंड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी वो तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती थी लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगी, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में भी यूज होता है इसका। फिर थर्ड है ट्रैजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मतलब कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे किसी भी डायरेक्शन से एंटर करे तो उसकी जो मोशन है या ट्रैजेक्टरी है वो कैसे मूव करेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले अगर थीटा 0 180, मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट उसमें जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी उसी डायरेक्शन में एंटर करे तो उसका जो मोशन होगा वो अंदर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, मतलब वो जैसे एंटर करेगा ऐसे ही एग्जिस्ट कर जाएगा। सेकेंड इज व्हेन थीटा इज जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अगर एंटर करे, मतलब जो थीटा बिटवीन बी एंड वी है वो 90 डिग्री हो तो उसका जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। और थर्ड है व्हेन द
थीटा इज एक्यूट, मतलब जो वो 90 भी ना हो, 0 भी ना हो और 180 भी ना हो, तो इनसे अगर अलग होगा तो उसका जो मोशन होगा वो होगा हेलिकल पाथ, मीन्स उसका सर्कुलर मोशन भी होगा और स्टेट मोशन भी होगा, एक टाइप से कोयल टाइप का हो जाएगा, जैसे इंडक्टर वाली कोयल है बिल्कुल उसी टाइप में। फिर आता है व्हेन चार्ज, फोर्थ पॉइंट, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, जब जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही एंटर करेगा, तो उसकी मेन मेन वैल्यू है सबसे पहले एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी वी, मतलब कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर अपॉन आर वो मैग्नेटिक फोर्स के क्यू वी वी के इक्वल होगी। इसमें से वैल्यू निकलती है आर की, जो मतलब जो उसका सर्कुलर पाथ होगा उसकी रेडियस होगी आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, और जो उसको सर्कुलर मोशन में करने में टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा टी इज इक्वल टू टू पाई एम अपॉन क्यू बी। और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब वन अपॉन टी, उसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन टू पाई एम। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी चार्ज पार्टिकल की वो चेंज तो नहीं होगी, लेकिन उसके पास कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन टू एम। और उसमें सब की वैल्यू है, जैसे एम की वैल्यू है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, आर की वैल्यू है रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ, वी की वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और बी की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और टी मतलब टाइम, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है इसमें व्हेन एंगल बिटवीन वी एंड बी इज थीटा, मतलब कि वो 90 नहीं है, वो एक्यूट एंगल है, तो उसमें जो वैल्यू होगी रेडियस की वो होगी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी बी, मतलब एम वी जो वी परपेंडिकुलर वाला वेक्टर होगा, वेक्टर जो उस तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट वेक्टर वाली साइड परपेंडिकुलर वाली साइड होगा उसका हम वेक्टर कंसिडर करेंगे मेनली, मतलब जो रेडियस है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी, इन विच थीटा थीटा जो एंगल है वो होगा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल। इसमें जो रेडियस की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल ली जाएगी जब मोशन क्या होगा हेलिकल पाथ में। सेकेंड आता है इसका टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला सेम होगा टू पाई एम अपॉन क्यू बी। फिर आता है पिच, पिच का मतलब है यहाँ पर द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन इज नोन एज पिच, जो पिच निकालने का फॉर्मूला है वो है पिच इज इक्वल टू टू पाई एम वी कोस थीटा अपॉन क्यू बी इन विच थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। फिर आता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब वन अपॉन टी, इसमें सेम फॉर्मूला क्यू बी अपॉन टू पाई एम, और जो वर्क डन होगा वो इज इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्यू वी बी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी, वी जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होगी वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू क्यू वी टू क्यू बी अपॉन एम, मतलब कि वर्क डन इज इक्वल टू अंडर रूट टू क्यू वी अपॉन एम। फिर नेक्स्ट आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, अब करंट कैरिंग एक कंडक्टर है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फोर्स कितना होगा, उसकी वैल्यू होगी एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा इन विच बी इज द मैग्नेटिक फील्ड आई इज द करंट इन द कंडक्टर और एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट और जो एल होगी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो सेम फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल से ही दी जाएगी। नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब हमारे पास दो वायर्स हैं जो हमने पैरेलल में लगाई हुई हैं और उसमें जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो जो उसमें जो आपस में दो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एफ इज इक्वल टू न्यू नोट आई वन आई टू इन टू एल अपॉन टू पाई आर, इसमें फोर्स की वैल्यू होगी। इसमें मेनली याद रखने वाली बात यह है कि जो अगर जो वायर हैं वो सेम डायरेक्शन में जो दोनों वायर्स हैं उसमें करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो फोर्स होगा बिटवीन दोनों के वो होगा अट्रैक्टिव, और अगर जो जो करंट की डायरेक्शन में अपोजिट है वो एक की नॉर्थ में या फिर एक की साउथ में, मतलब डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसमें जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी रिपल्सिव फोर्स, और जिनमें फोर्स की डायरेक्शन होगी वो सेम फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल से ही गिवन मतलब दी जाएगी।